प्रदेश में 27 जून से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही तैयारी में जुट चुके हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष बजट सत्र को लेकर आम जनता से सुझाव ले रही है और जिससे बजट को जनहितकारी बनाया जा सके, वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की रणनीति बनाई है और बजट सत्र को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विपक्ष से सकारात्मक रखने की अपील की है। जोशी ने कहा कि सदन में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए लेकिन जनहितकारी मामलों में सकारात्मक रुख करे। वहीं खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष की ओर से सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मीणा ने साथ ही कहा कि बजट को जनहितकारी बनाने के लिए प्रदेश के सभी वर्गों के साथ पहले चर्चा की गई है और उनके सुझाव पर ही बजट तैयार किया जा रहा है और इससे जनता को भी लाभ मिल सके। सरकार की पूरी तैयारी है, सरकार बजट लेकर आ रही है, जो दूसरे विधायी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमें विपक्ष का रचनात्मक सहयोग मिलेगा। हम अपील करते हैं विपक्ष से कि विधानसभा चलाने में मदद करें और हम सब मिलकर राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष हमें रचनात्मक सहयोग देगा। देखिए, रचनात्मक प्रतिपक्ष घेरे सरकार को, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सकारात्मक उनका दृष्टिकोण रहना चाहिए। सरकार जवाब देगी सदन में, सरकार ने क्या किया ये बताएगी और जो भ्रांतियाँ प्रतिपक्ष की तरफ से खड़ी की जा रही हैं उन भ्रांतियों का निराकरण सत्ता पक्ष करेगा, ये आपको फ्लोर पे पता लगेगा। और कांग्रेस सरकार की राजस्थान में पूरी तैयारी है कि हम जनहित के सारे कामों को जो हमने घोषणा की है और जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए हैं उनको हम पूरा करें। जनता का जो फीडबैक आ रहा है सभी वर्गों का है, हमने उद्योगपतियों को भी बुलाया है, खिलाड़ियों को भी बुलाया है, किसानों को भी बुलाया है, महिलाएं भी हैं, युवा हैं, युद्ध सभी वर्गों के लोगों से सरकार एक सिस्टम में बुला रही है, फीडबैक ले रही है, व्यापारियों से ले रही है, सभी से ले रही है। तो उसमें जो फीडबैक आ रहा है और हमने जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है वो एक हमारा सरकारी दस्तावेज है, उसी प्रकार हम धीरे धीरे इन 5 वर्षों में जो हमने लोगों से जनता से जो वायदे किए हैं उन पर हम धरातल पर खरा उतरेंगे और जो आमजन की जो समस्या है कोई समस्या हमारे ध्यान में नहीं है। और धीरे जो हमारे जो फीडबैक आपके एनजीओ हैं, स्वयं संस्था हैं या अन्य जनता के माध्यम से आ रहा है तो उस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जो भी हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे राजस्थान में समग्र विकास